अभी तक आप हम नेविगेशन के लिए अपने मोबाइल व कार्स में जीपीएस सिस्टम यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यूज करते आ रहे हैं। ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम है। इसके लिए अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को कवर करने के लिए 24 सैटेलाइट स्पेस में प्लेस किया हुआ है। ये सैटेलाइट्स आपको आपकी पोजीशन बता सकते हैं। बस इसके लिए आपको अपने डिवाइस को इन सैटेलाइट्स के साथ कनेक्ट करना होता है। लेकिन सभी इंडियंस को बेसब्री से इंतजार था कि कब हम खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम यूज कर सकेंगे। देखिए, नेविगेशन सैटेलाइट से कनेक्ट करने के लिए आपके डिवाइस में एक खास चिप लगी होनी चाहिए। आजकल सभी स्मार्टफोन्स में ये चिप मैन्युफैक्चरर लगाकर देते हैं और आप अपने मोबाइल के जरिए इन सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ इसी तरह का सैटेलाइट नेटवर्क इंडिया ने भी बना लिया है। ये नेटवर्क इंडिया और इंडियन बॉर्डर से 1500 किलोमीटर की रेंज में आपकी पोजीशन आपको बता सकेगा। ये पूरे विश्व को कवर नहीं करेगा, इसलिए इसे IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहते हैं। इन IRNSS सैटेलाइट्स को एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए IRNSS चिप, जो मैन्युफैक्चरर द्वारा आपके मोबाइल में इंस्टॉल होनी चाहिए। यानी अब आपके अगले एंड्रॉइड स्मार्टफोन में डुअल चिप्स, एक GPS चिप और नेविक चिप भी इंस्टॉल होगी। Qualcomm ने नया प्रोसेसर Snapdragon 720G, Snapdragon 662 एंड Snapdragon 460 इंट्रोड्यूस किया है, जो मिड रेंज एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के लिए डिजाइन किया गया है। ये लोकेशन सर्विस के लिए नेविक पोजीशनिंग सिस्टम यूज करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर Xiaomi इस समय इस नेविक चिप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के फाइनल फेज में है। यानी जब नेविक चिप लगे मोबाइल मार्केट में आ जाएंगे, तब आप इंडियन वर्जन ऑफ नेविगेशन सिस्टम यूज कर पाएंगे। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि अगर हम अमेरिकन GPS नेविगेशन आराम से यूज कर रहे हैं, तो हमें IRNSS की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले तो ये भारतीय नेविगेशन सिस्टम है, तो इसे इंडिया कंट्रोल करता है। और दूसरा रीजन है इसकी एक्यूरेसी। इंडिया में GPS की एक्यूरेसी जहाँ 30 मीटर तक है, वहीं नेविक हमें 15 मीटर तक की एक्यूरेसी दे सकता है। इसके साथ साथ नेविक डुअल बैंड SLN बैंड्स पर वर्क करता है, जबकि GPS सिर्फ L बैंड पर वर्क करता है। नेविक दो तरह का नेविगेशन प्रोवाइड करेगा। पहला स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस SPS, जो पब्लिकली अवेलेबल होगा। दूसरा रेस्ट्रिक्टेड सर्विस RS, जो सिर्फ मिलिट्री और ऑथराइज्ड यूजर यूज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। धन्यवाद।